बधाइयाँ हो और अच्छे से और सुरक्षित ढंग से होली जैसा पर्व मनाइए और सभी में खुशियाँ बांटिए, क्योंकि पर्व ही खुशियाँ बांटने का है। लोगों को अपने रंग में रंगिए। हंगामा टाइम्स, हंगामा टाइम्स की जिसे कड़ी है खास शख्सियत, तो खास शख्सियत को लेकर के हम भी कुछ खास करते हैं हर प्रोग्राम में। तो आने वाला अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस आ रहा है, तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पे हम लोग लखनऊ की कुछ खास महिलाओं से बात कर रहे हैं और आपको उनसे रूबरू करवा रहे हैं उनके जीवन को लेकर के, क्योंकि महिला एक जहाँ माँ है, बहन है, पत्नी है, तो एक महिला के प्रति जिम्मेदारी क्या है, महिला की अपनी जिम्मेदारी क्या है, समाज में अपनी पहचान किस तरह से बना रही है। महिलाएं अधिकारी भी हैं, वो अच्छी पोस्ट पे भी हैं, समाज में उच्च स्तर पे अपनी वो शिक्षा को लेकर के आगे बढ़ती हैं, समाज के साथ साथ में वो घर की जिम्मेदारी भी अच्छे से निभाती हैं। तो ऐसे ही लखनऊ की कुछ खास महिलाओं से हम आपको रूबरू करवा रहे हैं और इस खास शख्सियत में उनको हम विशेष रूप से आपसे जोड़ रहे हैं। तो ऐसी खास शख्सियत में आज हमारे साथ में चलते चलते ही आज हमारे साथ जुड़ेंगी शिप्रा भदौरिया जी। तो शिप्रा भदौरिया जी के बारे में हम आपको बता दें, वो भूमिजा वेलफेयर फाउंडेशन की अध्यक्ष हैं और संस्थापिका भी है, साथ में इनर व्हील क्लब अभ्योदय की प्रेसिडेंट भी हैं, साथ में उनको कई ऐसी छोटी छोटी संस्थाओं से जुड़ी हुई हैं जहाँ समाज में उनकी जरूरत होती है वो खड़ी भी रहती, अड़ी भी रहती हैं और साथ में महिलाओं के लिए कार्य करती। तो चलते चलते सफर में हमारे साथ में शिप्रा भदौरिया जी जुड़ रही हैं, उनसे हम बात करेंगे उनके जीवन को लेकर के और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस को क्या कहना चाहेंगी। तो अब हमारे साथ में जुड़ गई हैं शिप्रा भदौरिया जी, जिनके बारे में हमने आपको बताया कि वो कई क्षेत्रों में जुड़ी हुई हैं और महिलाओं के लिए बहुत सारे कार्य करती रहती हैं। तो हम उनसे पूछेंगे उनके जीवन के बारे में, जिस तरह से मैंने आपको बताया कि एक महिला माँ भी है, बहन भी, पत्नी भी, लेकिन उसकी जिम्मेदारी उसके प्रति क्या है, तो उनको कब एहसास हुआ कि उनको भी अपनी जिम्मेदारी निभाना चाहिए और समाज में कुछ ऐसा करना चाहिए कि वो अन्य महिलाओं के लिए मिसाल बने। आपका स्वागत है मैम। जी नमस्कार। और आपने मेरे बारे में जो दो शब्द कहे, पहले तो मैं उसके लिए आपका आभार व्यक्त करना चाहूँगी। और इस जैसे कि आपने कहा कि जो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में हर महिला जो है, सभी को जानकारी इस बारे में कि हर महिला एक शक्ति का रूप है और हम महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि महिला तो पहले से ही सशक्त हैं, तो हमें किसी सशक्तिकरण की ज़रूरत नहीं है, हमें सिर्फ एक अच्छी राह, एक सही राह की ज़रूरत है और शायद एक हाथ की भी ज़रूरत है कुछ महिलाओं को, कि कोई हाथ उन्हें थामे और आगे बढ़ाए और एक सही दिशा दिखाए। तो वो कहते हैं ना कि हर व्यक्ति को एक अच्छे दिशा निर्देश की ज़रूरत रहती है, उसी तरह महिलाओं को है। और इस अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में मैं यही कहना चाहूँगी, और हमेशा से ही मेरी ये इच्छा भी रही है कि हर महिला जागरूक हो अपने अधिकारों के बारे में, हर महिला सशक्त हो, और सशक्त महिला, जैसे मैंने कहा महिलाएं सशक्त तो हैं, लेकिन जो सशक्त होने की बात आज के युग में मैं कह रही हूँ, उसका जो कारण है वो ये है कि मैं चाहती हूँ कि हर महिला जो अपने अंदर प्रतिभा छुपी हुई है उसे बाहर लाए, चाहे वो अपने आप को किसी रोज़गार से जोड़े, किसी अच्छे व्यापार से जोड़े, या किसी कला, जिस मतलब कहते हैं आपके अंदर जो प्रतिभा छुपी हुई है उसे बाहर लाइए, और वो जब वो आपको आपकी पहचान देगी तब आप एक महसूस करेंगे अपने अंदर एक अलग सी शक्ति। तो इसीलिए हर महिला को आगे बढ़कर ये कोशिश करनी ज़रूर चाहिए कि वो अपने अंदर छुपी प्रतिभा को बाहर लाए और अपने आप को एक किसी ना किसी रोज़गार से अपने आप को जोड़े। और इसी कड़ी में अगर मैं कहूँ तो जैसे अभी आपने सुना होगा कि महिला सामर्थ्य योजना जो सरकार द्वारा चलाई जा रही है, तो उसका उद्देश्य क्या है? क्या महिला सामर्थ नहीं है? महिला सामर्थ हैं, बट आपको सामर्थ बनाने का उद्देश्य है कि आपको एक मजबूती प्रदान करना, हर महिला को एक मजबूती प्रदान करना। और उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा जो यूपी महिला सामर्थ्य योजना चलाई जा रही है, उसके लिए मैं हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी कि उन्होंने महिलाओं के लिए इतना सोचा। और इस योजना के अंतर्गत उद्देश्य यही है कि हर महिला को किसी न किसी माध्यम से जोड़ा जाए ताकि वो दो पैसे कमाकर अपने घर में अपना हाथ बटा सके, किसी न किसी महिला को रोजगार, ऐसा रोजगार से जोड़ा जाए जिसमें उनकी आत्मनिर्भरता निखर कर गया। तो सरकार आपको मदद करेगी, आपको आर्थिक रूप से सहायता प्रदान करेगी, आपको एक सही दिशा निर्देश देगी, आपको जानकारी प्रदान करेगी रोजगार के बारे में, अगर आप अपना खुद का भी कोई कार्य शुरू करना चाहते हैं तो भी इस योजना के अंतर्गत आपको जो सुविधा प्रदान की जाएगी। लेकिन देखिए अर्चना जी, योजनाएं तो बहुत चलती हैं, सरकार
चला रही है उसके लिए मैं धन्यवाद देना चाहूँगी। बट एक महिला होने के नाते मेरा और आपका या मेरे जैसी कई समाजसेवी महिलाओं का या शिक्षित महिलाओं का ये कर्तव्य है कि वो इन योजनाओं की पूर्ण जानकारी एक दूसरी महिला तक पहुँचाए, है ना। जैसे कि अभी भाग्य लक्ष्मी योजना के बारे में बात करें, गरीब महिलाएं, गरीब घर में जो लड़कियां हैं उनको सपोर्ट करने के लिए, उनको एक मजबूती प्रदान करने के लिए सरकार जो है वो 51,000 रुपए की धनराशि प्रदान कर रही है। या एक कहते हैं ना कि महिलाएं ही कल का भी भविष्य है, आज का भी भविष्य है और आने वाले समय का भी भविष्य है। तो उसी को देखते हुए अगर कोई गर्भवती महिला है और उसके यहाँ अगर एक बेटी पैदा होती है तो उसको भी 5100 रुपए की धनराशि प्रदान की जा रही है सरकार के द्वारा। तो ये जो जानकारी मैंने आपको दी, यही जानकारी हमें लोगों तक पहुँचानी है, क्योंकि किसी भी योजना या किसी भी नीति का सही, जो कहते हैं ना कि उसका सही रूप या जो उसका मकसद है, वो मकसद तभी पूर्ण होगा जब उन बच्चियों या उन महिलाओं जिनके लिए ये योजनाएं बनाई गई हैं उन तक पहुंचे। बहुत अच्छी बात है मैम, आप अन्य महिलाओं को तो जागरूक कर रही हैं, लेकिन हम महिला दिवस पे ये खास कर रहे हैं कि जो लखनऊ की खास महिलाएं हैं अपने साथ साथ में अन्य महिलाओं को तो जागरूक कर ही रही हैं, अपनी पहचान के साथ अन्य लोगों की पहचान तो बनाएं, लेकिन जो महिलाएं जैसे आप हैं, अन्य महिलाओं का भी हमने जो इंटरव्यू किया है, उनके जीवन में जो उन्होंने उतार चढ़ाव देखे, जैसे कहते हैं नहीं, मैं बनता हुआ सभी देख लेते हैं, लेकिन बनने में कितने उतार चढ़ाव आते हैं और क्या क्या चीज़ें आती हैं, क्या क्या फेस करना पड़ता है, तो वो हम आपसे जानना चाह रहे हैं। जैसे मैंने बताया कि आप भूमिजा वेलफेयर फाउंडेशन के अध्यक्ष भी हैं, आप इनर व्हील क्लब अभ्योदय के प्रेसिडेंट भी हैं, साथ में अन्य संस्थाओं से भी जुड़ी हुई हैं, तो ऐसे जीवन में आपके क्या क्या उतार चढ़ाव आए, काम करते करते आपने अपनी पहचान, जो कहते नहीं महिला अपनी पहचान खुद बनाती है, तो उस पहचान को बनाने में आपको क्या क्या फेस करना पड़ा? जी अर्चना जी, जैसे आपने कहा कि अगर मैं अपनी भूमिजा वेलफेयर फाउंडेशन की बात करूं तो मैं इसकी संस्थापक भी हूं इस संस्था की, तो इस संस्था को बनाने के पीछे जो एक कारण था वो कारण ही था कि महिलाओं का हाथ और महिलाओं का साथ, क्योंकि एक महिला होने के नाते मेरी ये हमेशा से इच्छा रही है कि मैं और भी अपने आसपास की महिलाओं को प्रेरित करूं कि वो इतनी सक्षम बने और आर्थिक रूप से मजबूत बने। इसी के अंतर्गत मैंने अपनी दो, एक बहुत छोटी ही कहूंगी, छोटे स्तर पे, जी जी बिल्कुल, तो मैंने अपनी दो संस्थाएं भी इसी अंतर्गत स्टार्ट की, एक जैसे कि हाउस ऑफ ऑरेंज के नाम से, एक स्टाइलिट सैलून के नाम से। तो उसमें भी आप हमारे यहाँ देखेंगी तो जिनको भी रोजगार मिल रहा है या जिन हमने जिनको भी अपने यहाँ रोजगार प्रदान किया है दोनों संस्थाओं में, वो भी महिलाएं हैं, क्योंकि हमारी पूरी कोशिश रहती है। इसका मतलब ये नहीं कि हमें पुरुषों को रोजगार प्रदान नहीं करना है, लेकिन हाँ ये एक छोटी छोटी कोशिशें हैं जो लगता है कि अगर एक मैं महिला हूँ और मैं अपना कुछ काम शुरू कर रही हूँ तो मेरी ये पूर्ण रूप से ये कोशिश रहनी चाहिए कि एक महिला को ही रोजगार प्रदान करूं, क्योंकि वो मेरे पास कार्य करके सुरक्षित भी महसूस कर पाएगी और मुझे भी ये खुशी होगी अंतर मन से कि मैं आर्थिक रूप से उसे मजबूती प्रदान कर रही हूँ। बहुत अच्छी बात है मैम, क्योंकि मैम एक जागरूक महिला वही जागरूक महिला होती है जो अपने साथ साथ में अन्य लोगों को भी जागरूक करे। तो मैम चलते चलते आखिरी सवाल हम आपसे और करना चाहेंगे, आपकी जर्नी के बारे में जानकर के मुझे बहुत अच्छा लगा और लोगों को भी जानकर के अच्छा लगे कि सफलता जो होती है वो बहुत बहुत महत्वपूर्ण होती है, अगर वो मिलती तो उसको संभाल के रखना चाहिए। तो इस अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पे सभी महिलाओं को क्या शुभकामनाएं देना चाहेंगी, और साथ में आ रहा है हमारा होली भरा रंगों का त्यौहार आ रहा, तो उसके लिए क्या कहना चाहिए? जी आप सबको इस होली के उत्सव की बहुत बहुत बधाइयाँ हो और अच्छे से और सुरक्षित ढंग से होली जैसा पर्व मनाइए और सभी में खुशियाँ बांटिए, क्योंकि पर्व ही खुशियाँ बांटने का है। रोगों को अपने रंग में रंगिए, जैसे कि मैं इसी के अंतर्गत जो कार्य करती हूँ समाज सेवा का, तो मेरी भी यही कोशिश रहती है अर्चना जी कि मैं इस समाज सेवा के कार्य के तहत लोगों को अपने रंग में रंग पाऊँ, कहीं ना कहीं उन्हें अपना ये जो स्नेह और प्यार पहुंचा पाऊँ। तो जैसे कि अगर मैं इनर व्हील की बात करूं या भूमिजा की बात करूं, तो इन संस्थाओं के ज़रिए जो ये एक कहते ना एक माध्यम हूं मैं कि कहीं अगर मैं जाती हूं किसी पिछड़ी जगह गांव में या स्लम में और वहां पर अगर देखती हूँ कि बच्चियाँ हैं छोटी छोटी जो भटक रही हैं अपने मार्ग से, या कोई ऐसी है जिसके अंदर ये प्रतिभा छुपी हुई है और मुझे लग रहा है कि मेरे ज़रा सा हाथ सामने से उसको एक सही उसके जीवन में कुछ बदलाव आ पाएगा, तो इसके तहत मैं जो मेरे पे बन पाता है वो मैं करती हूँ और आगे भी करती रहूँगी। अभी अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में ही हमारी संस्था की भी पूरी कोशिश है कि हम एक
कहते ना कि सम्मान करना चाहते हैं उन महिलाओं का, और हमारे सम्मान समारोह में जो पूरी कोशिश रहेगी वो रहेगी उन महिलाओं को सम्मानित करने की जो एकदम जड़ से जुड़ी हुई हैं, जिनके पास ना साधन थे, ना सुविधाएं थीं, ना कुछ, और फिर भी वो एक मुकाम पर पहुंची हैं और एक महिला होकर उन्होंने एक दूसरी महिला को कुछ कहते ना कि मदद मुहैया करा पाई हैं। तो इस सम्मान समारोह का जो मकसद होगा वो यही होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा महिलाएँ प्रेरित हों, आगे बढ़ें और अपने आप को कहते ना अपने असली शक्ति को पहचानें, अपनी पहचान खुद बनाएं, बिल्कुल अपनी शक्ति को पहचानें, बिल्कुल बिल्कुल। तो ये थी अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की विशेष कड़ी में हमारे साथ शिप्रा भदौरिया जी, जिनकी विचारधारा आपने सुनी। तो हम भी अब अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पे ये विशेष कर रहे हैं कि सभी महिलाएं उठें, जागरूक हों, जागरूक हैं ही, वो बस उनको थोड़ा सा मोटिवेशन की जरूरत है, आगे बढ़ करके अपना काम करने की जरूरत है। क्योंकि एक गीत भी बना है, कोमल है पर कमजोर नहीं, शक्ति का नाम ही नारी है, जग को जीवन देने वाली मौत भी तुझसे हारी है। तो जब मौत भी हमसे हारी है तो ये समाज क्या, इस समाज में हमें अपनी पहचान बनानी चाहिए। ऐसे ही कुछ समाज सेविकाएं होती जैसे शिप्रा भदौरिया जी हैं, अन्य जो महिलाएं उनसे भी हमने आपको बात कराई, तो ऐसी कुछ समाज सेविकाएं होती जो इस देश में आकर के, समाज में आकर के समाज को सुधारने की बात करती हैं और समाज में महिलाओं का अस्तित्व बनाने की बात करती हैं और साथ में अपने अस्तित्व को भी खड़ा करती हैं। जब ऐसी महिलाएं कुछ कर सकती हैं तो आप लोग भी कुछ कर सकती हैं। तो इस अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर ऐसे ही मजबूत महिलाओं से हम आपको मिलवाएंगे जो आपके लिए प्रेरणा बनेंगी। तो हमारी तरफ से आपको होली की और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। ऐसे ही हम आपको मिलवाते रहेंगे लखनऊ की कुछ खास महिलाओं से। तो इसी के साथ मैं अर्चना आपसे इजाजत लेना चाहूंगी, धन्यवाद, बने रहिएगा हंगामा टाइम न्यूज चैनल के साथ। हंगामा टाइम्स की तमाम खबरों को देखने के लिए हंगामा टाइम्स को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक बटन प्रेस कर अपनी प्रतिक्रिया हमारे कमेंट बॉक्स में देना।